हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कंटिन्यू जरूर करें और बिना स्किप किए देखें। ये वीडियो मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हुए हैं, ताकि वो सही से नोट्स बना सकें वीडियो देख करके। तो वीडियो कुछ दिनों के बाद डिलीट कर दिया जाएगा, इसलिए अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा नया और डेप्थ की नॉलेज आपको बहुत मिलेगी। दूसरी बात यह है, अगर आप मोबाइल रिपेयर का काम सीखना चाहते हैं तो एक दिन का फ्री डेमो क्लास होगा, जिसमें कोई भी एक टॉपिक लेकर के हम स्टडी करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप नीचे दिए इस नंबर पर संपर्क करें, ताकि ग्रुप में डिस्कस करके हम उस टॉपिक को लें और उसके ऊपर जो डेमो क्लास होगी वो ऑर्गेनाइज की जाए। तो ठीक है जी, धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। बाकी मिलते हैं डेमो क्लास में, ठीक है जी, कंटिन्यू करें। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7 to 10 days टॉपिक जी। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बाद में हम पढ़े थे स्टडी अबाउट एसी और डीसी, और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, एनालॉग फ्रीक्वेंसी, डिजिटल पल्स, ड्यूटी साइकिल, माने पीडब्ल्यूएम के बारे में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये डिजिटल पल्स और फिर ड्यूटी साइकिल क्यों लिखे। ये सिर्फ उनके लिए है, कंफ्यूज करने के लिए, जो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, और उसके बाद में यहाँ पर देखने के बाद में उनका कन्फ्यूज़न होता है तो वो पूछते हैं, सर जी डिजिटल पल्स और ड्यूटी साइकिल तो ये पीडब्ल्यूएम का पार्ट हुआ, इसको अलग अलग क्यों लिखे। तो मैं वेट करता हूँ कि कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट ये पूछे, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग है। उसके बाद में कंप्लीट नॉलेज अबाउट आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ट्रांजिस्टर, आरटीसी, एक्सो, फिर उसके बारे में बाद में बक कन्वर्टर, जो अभी शुरू हुआ है, आज आपकी क्लास होगी बक कन्वर्टर की। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे 20 मिनट लगभग ये क्लास चलेगी, जो पुराना रिविज़न होगा डे वन से लेकर के बक कन्वर्टर तक। तो वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस आपका क्लियर है, आपको इसका मतलब वोल्टेज और करंट में अंतर पता है जी? तो वोल्टेज और करंट क्या होता है? ओके, प्रेशर, प्रेशर मान सकते हैं जी। रेजिस्टेंस है उस करंट के बहाव को कम करने वाली एक कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद में इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल सा है, देखो हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं वही फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू I इंटू R। बहुत आसान है वोल्टेज फाइंड करना, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है तो वोल्टेज मिल जाएगा। I का जो फार्मूला, I माने करंट होता है, तो करंट चाहिए तो आपको V अपॉन R करना, और रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसी जगह के लिए तो V अपॉन I करना है। ये तब काम आता है जब आप कोई सर्किट बिल्ड करते हो, कोई सर्किट बनाते हो। तो अभी हम सर्किट तो नहीं बना रहे, लेकिन भविष्य में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे सर्किट में तो ये काम आएगा। कहीं पे हमने बायस वोल्टेज बनाना होगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना होगा, तब ये सारी चीज़ें काम आएंगी, अभी नहीं। फिर भी ये सब पढ़ लेना है आपने, एक बार सेल्फ स्टडी करनी है। इसका यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें ये सारी चीज़ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में स्टडी अबाउट एसी और डीसी। एसी में आ जाता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, डीसी में डायरेक्ट करंट। इसके बारे में पता होगा आपको, क्योंकि आप टीवी वगैरह रिपेयर किए थे तो आपको पता ही है जी। तो डीसी से हम रिलेट कर लेते हैं डिजिटल पल्स, यानी कि ड्यूटी साइकिल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर वेव होती है। डीसी का जो स्वभाव होता है सीधे जाने का होता है, स्ट्रेट। डीसी वोल्टेज जो हम देखते हैं वो सीधा जाएगा, माने ये ज़ीरो, ऊपर हो गया वोल्टेज और इधर हो गया टी माने टाइम। तो 1.8 की अगर पीडब्ल्यूएम की लाइन है तो 1.8, फिर ज़ीरो, फिर 1.8, फिर 0, फिर 1.8। लेकिन अगर यही हमारा अल्टरनेटिंग होता तो 1.8 का आधा कितना होगा, 0.9। तो 0.9 पॉजिटिव में जाता, माइनस में 0.9, तो ये होता 1.8 इसका। तो ये ऐसा जाता कर्व में, तो ये वेव हो गई और ये हो गई स्क्वायर वेव, और ये सिर्फ वेव है, ठीक है हाँ, और ये नॉर्मल वेव है।
वेव तो ऐसे ही फॉर्म में होती है कर्व वाले, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। तो मोबाइल फ़ोन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर्किट में, किसी ट्रैक में, वायर में स्क्वायर वेव जा सकती है, लेकिन स्क्वायर वेव को चाहिए कोई ना कोई लाइन। ये हवा में ट्रेवल नहीं कर सकती अगर इसको कोई ट्रैक ना मिले तो, ठीक है। तो PWM जो सिग्नल होगा वो सिर्फ आपके मदरबोर्ड तक सीमित है, लेकिन अल्टरनेट करंट, यानी कि अल्टरनेट करंट से ही बनता है आपका एनालॉग फ्रिक्वेंसी। अल्टरनेट करंट में 50 हर्ट्स हो जाता है आपके घर के जो बिजली होती है उसमें, मैंने 49 से लेकर के 50, 51 इतना ही होता है। सॉरी परसेंट कर दिया, ये हर्ट्स है। 50 हर्ट्स मैंने 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं, उसको हम 50 हर्ट्स बोलते हैं हमारे घर में जो होता है। तो ये तो वेव फॉर्म में है, और इसी के आगे अगर हम एम लगाते हैं, मेगा हर्ट्स, MHz, अभी 850, ये आपके 2G वगैरह के लिए हो गया सिग्नल। तो हवा में जो ट्रैवल होकर के आ रहा है, मैंने काफ़ी दूर से, काफ़ी मीटर दूर से जो ट्रैवल होकर के एक सिग्नल हमारे फ़ोन तक आ रहा है, वो वायर के थ्रू तो नहीं आ रहा, वो तो हवा में ट्रैवल कर रहा है। तो एनालॉग सिग्नल जो होती है वो हवा में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। एनालॉग जो होता है मैंने कि एनालॉग फ्रिक्वेंसी, वही ट्रैवल करेगी, डिजिटल पल्स नहीं करेगी। इसके बाद में हम आ जाते हैं कंप्लीट स्टडी अबाउट हमारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या क्या पता है पहले, फिर आगे आप बताएंगे, फिर उसमें कुछ कमी लगेगी या उसमें कुछ गलती लगेगी। मुझे नहीं लगता कि गलती लगेगी, लेकिन अगर कुछ कमी लगी तो मैं उसको बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है पहले आप ये बताएंगे। रेजिस्टेंस सर एक अवरोध का काम करता है, जी जैसे कहीं तुमने कोई वोल्टेज या कोई जैसे कुछ बहाव कम करना हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस एक जरिया आती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या काम करता है? सब मैंने तो सब यही देखा है कि रेजिस्टेंस का काम यही है कि कहीं वोल्टेज पर ड्रॉप करना हो, वोल्टेज का नहीं, करंट के फ्लो को कम करेगा। सॉरी, हाँ हाँ करंट के फ्लो को कम करना हो, बाकी एक्सप्लेन मैं तो नहीं कर नहीं पाऊंगा। नहीं सही है, सही है, आपका सही है बोलना। रेजिस्टेंस का एक और काम भी होता है, फ्रीक्वेंसी को भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है। जितनी इसकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, फ्रीक्वेंसी को रोकने में भी मदद करेगा, तो ये भी एक काम करता है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी कितने होम्स में रुकती है ये हमको नहीं जानना, ये कन्फ्यूज़न होगा, और बाकी की ज़रूरी चीज़ों को हम नहीं सीख पाएंगे, यहीं अटके रह जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ इतना ही कि कोई भी ऐसी लाइन हो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती हो तो वहाँ पे 1 या 2 ohms का रेजिस्टेंस भी हो, 10 ohms का रेजिस्टेंस भी हो, तो उसकी भी अपनी वैल्यू है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे फिल्टर कर रहा है। हम अभी तक यही पढ़ते थे कि कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है, लेकिन रेजिस्टेंस भी करता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का हुआ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप अभी नोट्स नहीं बना पाएंगे तो बाद में भी बना लेंगे, ये आपने कुछ नया समझा तो उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम गति से चलेंगे ताकि आज का ये पूरा हो जाए, इसलिए अगर नोट्स ना भी बने तो आप कल भी बना सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटर, कैप हमारा काम करता है। हाँ बोलो बोलो। ये सिग्नल सिग्नल को पास करेगा, जी वोल्टेज को फिल्टर करेगा, जी वोल्टेज को ये स्टेबल करेगा स्टेबल करेगा। और फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेगा, जी ये फिर उसको नेटवर्क, पास करेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा और अपने करंट के फ्लो को फिल्टर वो करेगा, स्टेबल करेगा, जी। ये इनको जानते हो, आयरन मैन? ये मूवी मैं देखा, मतलब कि आज से, मतलब काफ़ी समय पहले, उसके बाद में मैं प्रेरित हुआ कि कोई पर्सन अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा सकता है। पहले तो मुझे लगा कि बेकार मूवी है, बेकार इसलिए क्योंकि इतनी नॉलेज कोई नहीं बढ़ाता एक्सट्रीम लेवल पे। फिर मैंने इसका जो मूवी जो बनी थी उसका एक इंटरव्यू देखा, तो उसका नाम आप सुने होंगे, इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क की जो वर्कशॉप थी वहाँ पर शूटिंग हुई थी ये आयरन मैन मूवी की। तो फिर इलॉन मस्क को मैंने जाना, मतलब सुना, मतलब क्या है ये पर्सन, क्या करते हैं, तो पता चला ये स्पेस एक्स की जो कंपनी है इनकी, इन्होंने बिना डिग्री के शुरू किया, सिर्फ सेल्फ लर्निंग से।
तो वही 6 7 8 साल पहले का जो मेरा जो जीवन था वहाँ से बदल गया कि सेल्फ लर्निंग से ही सब कुछ हो सकता है, सिर्फ किताबों से दोस्ती करके। मैंने सोचो कोई पर्सन स्पेस पे किसी को भेज सकता है सिर्फ कुछ किताबें पढ़ के, बिलीव ही नहीं होता। चलो ये ओपन होता रहेगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो कैप में वापस आएंगे, डायोड का बता दो, डायोड क्या काम कर, ये डायोड तो आपको पता ही होगा कि डायोड में बहुत बेसिक सी चीज़ है, करंट के फ्लो को एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है। कोई सा भी डायोड हो, चाहे वो जीनर हो, पीएन जंक्शन हो, एलईडी हो, या फिर आपका लाइट इमिटिंग डायोड हो, सॉरी फोटो डायोड हो, कोई सा भी करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। एक डायरेक्शन में लेकिन टीवीएस जो होता है, ईएसबी होता है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग है। उसकी वर्किंग उसके डायग्राम से समझ में आएगी, वो देखते हैं। ये है आपका टीवीएस ईएसडी, दोनों का ही डायग्राम, दोनों एक ही होते हैं। ईएसडी का फुल फॉर्म शायद मैं भूल चुका हूँ या याद नहीं है, लेकिन ईएसडी में जो एस होता है, एस का मतलब होता है स्पाइक। स्पाइक किस चीज़ की? करंट की स्पाइक। जी कहीं पे डायग्राम दिया होगा स्पाइक वाला, वो देख लेते हैं, ग्राफ दिया होगा तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसका और भी एक काफ़ी अच्छा डायग्राम था। अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए मैं सेव करके रखा हूँ सारे डायग्राम, लेकिन आपके साथ मैं वो शेयर नहीं करूँगा। आपके साथ में मैं हमेशा यहाँ गूगल पे आकर के उसको सर्च करूँगा, तो आपकी भी हैबिट बनेगी देखते हुए कि जो भी मुझे ज़रूरत चाहिए होगी किसी चीज़ की, वो मैं इधर से सर्च करूँ। ये काम करता है हमारा ये ESD। ये स्पाइक को कम करने में मदद करता है, जैसे करंट की स्पाइक है। ये मान लो इस तरफ में यहाँ पर हमने सेट किया था 1.8 और अचानक से ये हो गया 5 वोल्टेज, तो इस चीज़ को कम करेगा हमारा। यहाँ पर इसने कम कर दिया उस चीज़ को, कम किया ESD या फिर TVS जो भी लगा होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब यहाँ से ये करंट को यहाँ लेकर के आएगा सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज को, माने पॉजिटिव करंट। असल में पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं होता, जो भी फ्लो हो रहा है सब नेगेटिव है, ठीक है? तो पॉजिटिव कहीं पर भी नहीं है, वो हमको लगता है सिर्फ पॉजिटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि करंट आएगा इस डायोड के द्वारा, तो इस सेंटर में आ जाएगा, दोनों के बीच में, दोनों डायोड के बीच में। तो इधर इसका एनोड था, इसको उठा ही लेते हैं यहाँ से, ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी चीज़ ऐसे लगेगी कि स्किप हो रही है, नहीं समझ में आ रही, तो तुरंत पूछेंगे। जी मैं समय बिल्कुल आपको दे सकता हूँ, जितना आपको उचित लगे समझने में। डाउट हो मत बोल दो। जी 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 बिल्कुल। मैं इसमें रेड कलर यूज़ करता हूँ अभी। ये हमारा एनोड हो गया, ये हो गया इसका कैथोड, और ये इसका कैथोड हुआ, और ये इसका एनोड, ठीक है? ये वाली लाइन जुड़ी है हमारे, किसी भी एक लाइन का हम नाम ले लेते हैं। ये हो गया, मान लो कोई LDO है, वी आर ई जी L5 1P8। तो 1.8 की लाइन है। अगर यहाँ पे गलती से मैंने हाथ लगाया, चालू फ़ोन में मैंने हाथ लगा दिया गलती से, तो मेरी बॉडी से जो स्टैटिक चार्ज है वो इसमें जाएगा। अब वो स्टैटिक चार्ज को हम जब देखते हैं मल्टीमीटर से, तो वो दिखता है 0.9 तक दिख जाता है कई बार, और कई जगह मैंने ये देखा कि अलग अलग समय पर दिन के मैंने देखा कि ये 1.2 वोल्ट तक भी चला जाता है बॉडी का स्टैटिक चार्ज। तो यहाँ पे
1.2 मेरी बॉडी से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा बॉडी का, मैंने कहीं पर भी मैं टच करूँ वहाँ पर ये करंट के तौर पे फ्लो होने लग जाए तो क्या होगा, उस लाइन को ये इफेक्ट करेगा। लेकिन इस चीज़ को बचा सकता है एक डायोड, लेकिन वो जीनर डायोड नहीं है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ से, मैंने टीवी रिपेयरिंग, ठीक है, टीवी हो गया वो, या डीवीडी जो प्लेयर होता था वो हो गया। इसके बाद में और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे टेलीफोन, उसका जो सर्किट है उसमें भी डायोड लगते थे, जीनर डायोड। मैं उसको भी खोल करके देखा तो उसमें भी जीनर डायोड मिलते हैं। तो जीनर डायोड तो काफ़ी पुरानी चीज़ है, तो लंबे समय से यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास में एक जीनर डायोड था सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी का जो समय आया जहाँ पर 1980 के बाद में जो ये थे हमारे फिलिप्स सेमीकंडक्टर, इन्होंने इजाद किया I2C का। तो I2C जो है इंटर क्या है इसका, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, जी, वेरी गुड। तो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन ये काम क्या करता, दो तारों के द्वारा मास्टर टू स्लेव, स्लेव टू मास्टर, ये रीड करता है एक दूसरे को। उसके बाद अपग्रेड हुआ तो SPI आ गया, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो इसमें चार लाइनें यूज़ हो गई स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी मास्टर ने I2C के द्वारा मास्टर ने अभी सिग्नल भेजा स्लेव को, ठीक है, और उसी समय पे मैं अगर इस लाइन को टच कर दूं, यहाँ पे तो बहुत मतलब सूक्ष्म चीज़ें हो रही है, मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से में या उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म समय में, तो मैं जैसे यहाँ पे टच करूँगा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उसने ज़ीरो कर दिया है, मतलब कि मास्टर ने ज़ीरो का ऑर्डर कर दिया, मतलब कि स्लेव पे अब ज़ीरो रहेगा, 0 वोल्ट। लेकिन मैंने वहाँ पे टच किया तो वो क्या हुआ, ऑन हो जाएगा। तो टच की लाइन को, जो टच की जो लाइन होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कैप हो गया टच की लाइन का, कोई भी वहाँ पे आप उंगली लगा दो ऐसे, उसके बाद आप डिस्प्ले ऑन करो, तो ऑटो टच भी वर्क कर सकता है, या जब आप करेंगे टच उस पर तो सही से वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो TVS डायोड होते हैं वो माइक्रो सेकंड में काम करते हैं सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी का स्टैटिक चार्ज है, जैसे ही वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा तो ये माइक्रो सेकंड में होगा, तो उस माइक्रो सेकंड में ये TVS अपना वर्किंग करेगा। इसलिए TVS का ज़माना आया और जीनर का धीरे धीरे चला गया। बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को। तो आपको पहले से ही पता है कि PN जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, आपका लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड। अभी आपको पता चला TVS और ESD के बारे में। एक डायोड के बारे में और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शॉट की डायोड। इसके बारे में थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे जब हम बक कन्वर्टर पढ़ेंगे। तो अभी आ जाते हैं नीचे वापस कॉइल पे। कॉइल मतलब कि इंडक्टर होता है, सभी को पता है। तो इसकी वर्किंग आप एक बार बता देंगे, कितने प्रकार की कॉइल होती है और क्या क्या इसकी वर्किंग होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, बक के लिए, हाँ जी, जी ठीक है। तीसरे टाइप की एक और कॉइल होती है, नॉर्मल कॉइल। फ्यूज़ के काम में आ जाती है, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना जो, हाँ, नेटवर्क सेक्शन में, जी, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं आप, जी, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो वहाँ पर लिखो एक जगह पे नेटवर्क, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए, या फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, या फ्रीक्वेंसी को रजिस्ट करने के लिए, मतलब कि उसका प्रतिरोध करने के लिए कुछ कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कॉइल, रेजिस्टेंस और कैप।
ये तीन कंपोनेंट ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर भी कर सकते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसियों को रोक भी सकते हैं। तो ये दोनों काम ये तीन कंपोनेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये तीन काम होते हैं। तो नेटवर्क के सेक्शन में जो कॉइल लगे होते हैं, तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था काफ़ी समय पहले, तो उस वीडियो में कहा गया कि अगर आपके पास कोई फ़ोन है, नेटवर्क सेक्शन का कोई कंपोनेंट उसका निकला हुआ है, मतलब कोई कॉइल निकली हुई है, तो उस कॉइल को आप जम्पर कर सकते हैं या सोल्डर से डायरेक्ट उसको बाईपास कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ना तो मेरे को वो लगा कि वीडियो मतलब ठीक लगा, मतलब जितना किसी को पढ़ाया जाएगा वो उतना ही बोलेगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, वो आज ही लगभग डेमो में बैठे और मतलब शाम को बोले कि सर मैं नहीं पढ़ूंगा आपके पास। मैंने पूछा एक चीज़ क्यों, मतलब रीज़न, फीडबैक तो चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप तो फिजिक्स के नियम पढ़ा रहे हैं, ये तो फिजिक्स पढ़ाने वाली बात हो गई, आपका वीडियो देखने में स्पेशल लगा। तो मुझे लगा कि मैं आपके पास आऊँगा तो मुझे आप कुछ स्पेशल सिखाएंगे, ये तो स्कूल वाली पढ़ाई हो गई। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि नहीं पढ़ना तो मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन इसके बिना आप रिपेयर नहीं कर सकते। मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा, आपको आप जवाब दे दो, अगर आप जवाब दे सकते हो तो आप रिपेयर भी कर सकते हो। मैंने उनसे यही चीज़ पूछा कि नॉर्मल कॉइल कितना ज़रूरी है फ़ोन में, नॉर्मल कॉइल जो है नेटवर्क सेक्शन में लगा है, अगर वो निकल गया तो क्या उसको मैं बाईपास कर दूँ या फिर उसी वैल्यू का सेम कॉइल कहीं से उठा के डालूँ। तो उसने एक ही चीज़ बोला, कॉइल माने तार होती है, अंदर तार होती है स्पाइरल की हुई, आप उसको ऐसे ही लगा मतलब जम्पर कर सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल वेरी गुड, गलत जवाब, ठीक। ऐसे ही मैंने दो तीन क्वेश्चन किया, मैं बोला आप मत सीखो मेरे पास, कोई बात नहीं, कहीं पर भी जाके सीखो जहाँ आपकी श्रद्धा हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बिना पढ़े आपके जो मतलब कॉमन सेंस है फोन, मतलब रिपेयर करते समय जो आपको कॉमन सेंस लगानी है वो आप नहीं कर पाओगे जी। मैंने जो इलॉजिकल चीज़ है उस पर भी बिलीव करोगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे जो स्टूडेंट आते हैं वो बोलते हैं यूट्यूब पे देख के बनाते थे लेकिन डेड हो जाता था। मैं पूछता था यूट्यूब पे क्या करते हो देखते हो, तो जैसे कोई बग की लाइन है, वहाँ पे लीकेज है, वहाँ पे वोल्टेज दिए 1.8 लीकेज है, एम्पियर कंजप्शन हो रहा है लेकिन कहीं पे हीट नहीं हो रहा, तो वोल्टेज को बढ़ाने लगे, वोल्टेज को बढ़ाने लगे, अब हीट होने लगा, तो जहाँ पे हीट होने लगा मतलब 1.8 से 2.8 भी आ गया, अभी थोड़ी थोड़ी हीटिंग हो रही है, 2.8 से 3.2 तक भी आ गए, अभी बहुत बहुत हीटिंग हो रही है, सीपीयू सुसाइड कर चुका है, सीपीयू गर्म हो रहा है। तो ये लॉजिक नहीं है ना यहाँ पे, इनको अगर पता होता कि एम्पियर और वोल्टेज में क्या अंतर होता है तो वो कर लेते अपना काम, बस इतनी सी चीज़ थी। तो उनको लगा कि मैं मतलब कि उनका 30 दिन ख़राब करने वाला हूँ, मतलब उनका रायपुर पे रहना, रहने का खर्चा देना, भोजन का खर्चा देना, और पढ़ने के लिए जो 25,000 वो पे कर रहे हैं, वो ये तीनों चीज़ें वेस्ट जाने वाली है एक महीने में, इसलिए उन्होंने कहा नहीं सीखना। मैंने बोला ठीक है, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर आना, ऑलवेज वेलकम रहेगा। ठीक है जी, तो कॉइल जो है ये फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करता है जब ये सीरीज़ में या पैरेलल में कभी कैसे भी लगाओ। एक चीज़ और, कैप को हम बोलते हैं जब ये सीरीज़ में होता है तो ये फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करता है। ठीक है, मैं आपके लिए ही यहाँ पे स्कीमेटिक खोला था, एक मिनट। बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को पढ़ा दी जाती है और स्टूडेंट पढ़ के बिलीव भी कर लेते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, ये समझ नहीं आता कि कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हैं। मेरे लिए सीरीज पैरेलल में जैसी कोई चीज़ नहीं है जी। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना जी, वैसे ही एक गुरु जी हैं कर्मवीर, हाँ जी जी, उनका लेवल वो भी आपकी तरह ही बताते हैं,
अच्छा वो ना शॉर्टकट वाला रखता अपना था अच्छा यार, कि मार्केट में क्या सोल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन मेकिंग नहीं बनना चाहते लोग, सोल्यूशन लेकर के काम करना चाहते हैं। जी, वो बेसिक नहीं आएगा तो वो सोल्यूशन मेकिंग नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा है और उनकी क्लासेस 10 दिन की होती है। हाँ सब्जेक्ट लिखना ही पड़ सकता है। मैंने देखा है। मैं भी मतलब कुछ समय पहले मुझे लगा कि कुछ स्पेशल सीखने को एक्सपीरियंस मिलेगा, कि 10 दिन में कैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है। मैं भी देखना चाहता हूँ, तो 10 दिन में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं, हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन उसको आप यहाँ पे लगा नहीं सकते, फॉर्मूले को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। मैं बात भी वो सही है लेकिन वो उनका बस तरीका ये है कि डबल डेकर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डबल डेकर की ऐसा कहानी अब पुरानी हो गई। हाँ पॉसिबल नहीं है कुछ भी। जी। ये कैप लगाया सीरीज में, ठीक है, ये करता है फ्रीक्वेंसी को फिल्टर। इसके बाद में यहाँ पे एक बायस वोल्टेज बन रहा है। 1 मिनट, बायस वोल्टेज और बायस वोल्टेज और वोल्टेज डिवाइडर में क्या अंतर होता है, मैं ये पूछूंगा आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे, वो क्लियर हो जाए तो। डिवाइडर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, डिवाइडर का मतलब ये लोग हमें जो वोल्टेज डिवाइड करके या किसी को देना हो नहीं तो नहीं वोल्टेज डिवाइड कर रहे हैं। दोनों में सिर्फ अंतर क्या है? बायस का मतलब किसी सेक्शन को एज ए सिग्नल के रूप में कोई वोल्टेज देना हो तो या आप बताओ मेरे को। नहीं, आपको दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है, 2 मिनट और लेंगे इस पे। ये ज़रूरी है क्योंकि माइक में आप बायस की लाइन देखते ही होंगे, बायस वन, बायस टू, जी, और भी बहुत सारी जगह होता है बायस, सीपीयू के अंदर भी होता है। लेकिन सीपीयू के अंदर हम नहीं जा सकते, बस सीपीयू की स्टडी कर सकते हैं क्यूरियोसिटी के लिए कि ये कैसे वर्किंग करती है, जो हमारा एसओसी है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं बायस में। तो एक है बायस और एक है वीडी, माने वोल्टेज डिवाइडिंग या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट या जो भी होता, दोनों सेम है। ये हो गया आर वन, आर टू ग्राउंड हो गया, और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको लग सकता है थोड़ा धीमा है, क्योंकि नहीं, मैं ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। जी, ताकि ये समय ज़्यादा लगता है, लेकिन क्लियर होती है चीज़ें। यहाँ पे हो गया वोल्टेज, मैं इसको वी भी बोलता हूँ अपने मतलब थ्योरी के हिसाब से, मतलब अपनी थ्योरी कुछ भी नहीं है, सब तो पढ़ी हुई थ्योरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम 150 या 200 साल भी स्टडी करते रहें तो भी शायद ही कोई एक ऐसा सर्किट नया बिल्ड करेंगे या कोई कोई नई चीज़ बना सकेंगे, मतलब कि सर्किट में, माने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है, ये शायद ही बना पाएंगे। जो भी है हम सब पढ़ते ही हैं, बस उसको अपने नाम दे देते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये ऐसा है और कुछ नहीं। यहाँ पे है 100 के, नीचे है 10 के, तो क्या ये वोल्टेज को डिवाइड करेगा? अगर यहाँ पे मैं 1.8 दे दूँ तो यहाँ पे VB में मुझे 0.9 मिलेगा क्या? हाँ या ना? जी। और यहाँ पे मैं 1.8 वोल्ट दे दूँ तो VD में मेरे को जो मिलना चाहिए 0.9 वोल्ट मिलेगा। अगर इसका यहाँ पे मैं 10K, यहाँ पे 10K कर दूँ तो क्या मुझे यहाँ पे 0.9 वोल्ट मिलेगा, सेंटर पे वोल्टेज डिवाइड जहाँ पे होता है? 10K 10K वो दोनों जगह यहाँ पे 0.9 वोल्ट तो नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा? कैसे फिर कैलकुलेट करना नहीं मिलेगा। इसका फॉर्मूला पता है आपको? मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं तो बाकी क्या है जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस के कुछ जी 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 शब्दों के नाम से, और जहाँ जहाँ पे वोल्टेज डाला और रेजिस्टेंस डाली उसमें वैल्यू ठीक है, उसको निकाल लेता हूँ। इस चीज़ में मतलब कि थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, बस थोड़ी सी, उसको दूर कर देते हैं पहले। सबसे पहले
यहाँ पे इतना वोल्टेज मिलेगा कि नहीं इसको कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे ये मिलेगा कि नहीं ये भी कंफर्म करते हैं। मेरे पास 10 सेब हैं, दो बच्चे हैं, दोनों में डिवाइड करना है, तो कितना कितना होगा? नहीं नहीं 10 सेब हैं और दो बच्चे हैं, दोनों में डिवाइड करना है, तो कितना कितना आएगा दोनों के पास? हाँ कितना आएगा? पाँच पाँच आएगा, मतलब कि 10 का आधा, मतलब 10 का आधा। तो डिवाइड करना मतलब किसी हिस्से को दो हिस्से में आधा करना। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करना मतलब कितने भी हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। अगर पाँच बच्चे होते हैं तो पाँच में डिवाइड करना होता, दो दो जाता सब में, लेकिन यहाँ पे दो रजिस्टेंस है, सिर्फ दो। तो दो के बीच में अगर कोई चीज़ डिवाइड होगी तो उसका आधा हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1.8 का आधा होता है 0.9। तो वोल्टेज डिवाइड करने के लिए आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस आपको यूज़ करने हैं। जी जी नहीं नहीं बायस अलग है, वोल्टेज डिवाइडर अलग है, दिखने में दोनों सेम है लेकिन है अलग अलग। जी तो जी अभी क्लियर हुआ? अब वोल्टेज डिवाइडर हो गया, डिवाइडर वोल्टेज बनाना बहुत आसान है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको बायस वोल्टेज चाहिए, कहीं पर आपको देना है 0.6, तो 0.6 बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा 1.8 से, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, जैसे कि यहाँ पे आया है 1.8 L7 में, यहाँ पे 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, फिर अगेन 100 के, फिर यहाँ से ये आउट होगा। ये तो सिर्फ एक कॉपर की एक वो होता है, मतलब सप्लाई होती है बस यहाँ से यहाँ तक जाने की। इसके बाद में एक कॉइल है जो इसको ग्राउंड कर रहा है, मतलब इस लाइन को मैं ग्राउंड समझूंगा, ऊपर वाली लाइन को। तो ये सेम डायग्राम यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। अब ये 1 मिनट में बंद होगा, उसके बाद फिर से चालू होगा, तो हम कैरी ऑन करेंगे वहाँ से। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको, आप भी इसको नोट कर लेंगे। वी, अभी मैं डी ही लिख देता हूँ, या बी या डी जो भी आपको करना कर सकते हो। वी डी इक्वल्स टू वी एस इंटू आर टू, आर टू कौन होगा? आर वन तो ये हो गया, आर टू ये होगा, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये फॉर्मूला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में।